चूना बांझपन की सबसे अच्छी दवा है। इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सबसे जल्दी चूने से ही ठीक होता है। माताएं भी इस बात को सुने ध्यान से, कि ऐसी अगर कोई माताएं बहनें हमारे घर में हैं जो माँ नहीं बन पा रही है और तरह तरह से डॉक्टर ने उनकी जांच की है और डॉक्टर कहता है जी मेरे समझ में नहीं आता, सब चीज तो नॉर्मल है, फिर भी माँ नहीं बन पा रही है, ऐसी किसी भी माँ को लगातार चूना खिला दो, बहुत जल्दी माँ बनेंगे। और माताएं, मैंने ये बात मेरी हमेशा याद रखें कि ऐसी कई माताएं होती हैं जो गर्भ धारण तो कर लेती हैं लेकिन महीने दो महीने में गर्भपात हो जाता है उनका, कोई कारण हो सकता है, एक महीने में किसी का, दो किसी का, तीन महीने में गर्भपात हो जाए, ऐसी सब माताओं को चूना खिलाइए, कभी भी गर्भपात नहीं होगा। और मेरा तो सब माताओं को ये कहना है कि जब भी कोई गर्भवती माँ हो अपने घर में तो उसको हर दिन चूना खिलाइए ताकि गर्भपात ना हो और बच्चा स्वस्थ हो। तो ये चूना कैसे खिलाएंगे, गेहूं के दाने के बराबर चूना एक कप अनार के रस में मिला के पिलाना। माँ को, गर्भवती माँ को चूना चाहिए अनार के रस के साथ। क्यों? अनार का ही रस क्यों? अनार के रस में सबसे ज्यादा आयरन होता है, लोहा, और चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, और गर्भवती माँ को आयरन और कैल्शियम इन्हीं दो तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अनार का रस एक कप ले लें और चूना गेहूं के दाने के बराबर हर गर्भवती माँ को 9 महीने तक दे दीजिए आप सुबह खाली पेट, इसे याद रखिए। बस एक ही व्यक्ति चूना ना खाए, एक सावधानी है इसमें, जिनको पथरी की बीमारी है, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है वो चूना ना खाएं, जिनको किडनी स्टोन है वो चूना ना खाएं, जिनको मूत्रपिंड में पत्थर है वो चूना ना खाएं, बाकी सब खाएं।